तुम सिर्फ उजैर भाई को देख रही हो। अगर तुम न्यूट्रल होकर सारे मामलात को देखोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि एक लड़की अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम खुद नहीं लगाएगी। वैसे लेकिन मैं उजैर को जानती हूँ, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत भोली और नादान हो, मर्जात को तुम क्या जानो। ऊपर से वो जो दिखाई देता है ना, अंदर से वो बिल्कुल उसके बरक्स है। सवेरा, अगर उजैर भाई ने मान से शादी कर ली तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उजैर की शादी माहम से हो गई तो सवेरा तो उस घर में नहीं जा सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, उजैर ठीक आदमी नहीं है, वो तो शुरू से ही माहम के पीछे था। और अगर अब ये बात सबको पता चल गई तो कौन सी नई बात हो गई? मैं उजैर भाई से बात करके देखूं। हाँ हाँ, हमें जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। भाई उजैर से कहेंगे कि अगर वो माहम से शादी करना ही चाहता है तो शौक से करे, लेकिन पहले सवेरा का फैसला करे। उसको उसकी जायदाद का हिस्सा दे दे। किसी को भी मेरी जायदाद के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और वो मेरा और मेरे फैमिली का मसला है। वाह, देखो भाई देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है यहाँ। एक तो उनके फायदे की बात कर रहे हैं, उन्हें के मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं कहती हूँ समझाओ अपनी बहन को। लो, अम्मी माम का है। मुझे तो लगता है शायद उजैर भाई बेकसूर है। अम्मी, तुम्हारा मकसद है कि माँ हम झूठ बोल रही है? अगर वो मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है, इसका ये मकसद तो नहीं है कि हम उसके करतूतों पे पर्दा डाल दें? अम्मी, माँ भी तो शादी करना चाहती थी ना भाई से। आपको क्या लगता है, उजैर भाई मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेगा, जो हरकत की है उसके बाद शादी तो करनी पड़ेगी ना उसे। चले अच्छा, इस बहाने हमारी सवेरा भाभी से तो जान छूटेगी। सवेरा से मुलाकात हुई तुम्हारी? मैं हॉस्पिटल गई थी तो बस सुमेरा भाजी से और सवेरा उससे वहीं पर मुलाकात हुई थी। ये क्या हुआ था? कुछ नहीं अम्मी, बस वो गिर गई। झूठ बोल रही है तुम। झगड़ा हुआ ना तुम्हारा शानी से? हाथ उठाया ना उसने तुम पर? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ें। किस कदर का जालिम इंसान है, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अपने घर। अम्मी, अब तो मेरा वक्त स्टार्ट हुआ है, मैं शानी को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इस तरह तुम्हें घर नहीं जाने दे सकती। शानी को बुलाऊंगी, उससे बात करूंगी, फिर तुम्हें भेजूंगी। मुझे जब आपकी और भाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी इस वक्त जाने दे मुझे। कैसे जाने दो तुम, मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा दिल कर रहा है मैं उसके हाथ तोड़ दूं। अच्छा चली जाना भी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? आज घर में घुसते ही मेरे कमरे में आने की तौफीक कैसे हो गई तुम्हें? क्या करूं खाला, जब भी कमरे में जाता हूं, हमारा की शक्ल देखता हूं तो मेरा खून खोलता है। ये बात तो है, तू तुम्हारे बच्चे की कातिल है, गुनाहगार है, लेकिन बेटा अब दिल जलाने से क्या फायदा? जब तक हुमैरा इस घर में तब तक तो सुकून नहीं मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा, देख अब सवेरा कैसे आके तेरी झोली में गिरती है, तू देखता जा बस। क्या क्या हुआ? अरे ये उजैर जो है वो माम से शादी कर रहा है। क्या वाकई? बस उजैर की शादी हो जाए। अरे उजैर सवेरा को तलाक देगा और तू हुमैरा को तलाक देकर सवेरा से शादी कर लेना। सवेरा को पता है इस बात का और वो कुछ नहीं कह रही? सब पता है मगर खामोश बैठी हुई है, वो तो अपने उजैर को बड़ा पारसा समझ रही है। देखा खाला, मैं कहता था ना कि ये उजैर बहुत चालाक आदमी है। अब तुम देख लेना, ये माम से शादी भी करेगा और सवेरा को तलाक भी नहीं देगा।
अरे हम क्या मर गए हैं? हमें सवेरा के रिश्तेदार किसी को हक मारने नहीं देंगे उसका? हाँ जैर शादी कर ले, फिर देख कैसा फजीता करती हूँ, कैसा फसाद पैदा करती हूँ वहां जाके। सवेरा चलो मेरे साथ उधर के घर पे, आज फैसला हो जाएगा। नवाज भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे वो तुम्हें बताए बगैर दूसरी शादी कैसे कर सकता है, चलो मेरे साथ। मैं जानती हूँ उसे, वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। अरे तुम बिना बहुत ही भोली, वो सब कुछ कर जाएगा और तुम अपने इस भोलेपन में मारी जाओगी। आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सवेरा नवाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम से कम तुम्हारी तरफ से हमें उन पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि कुछ भी करने से पहले वो ये ध्यान रखें कि सवेरा अकेली नहीं है, हम हैं उसके साथ। हमारा बाजी ये उन पर सरासर इल्जाम है, मैं जानती हूँ जहर कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं बिलावजह उन पर कीचड़ नहीं उछालूंगी। तो इसमें कीचड़ उछालने वाली कौन सी बात है, सारी दुनिया ये बात कर रही है और खुद उसकी माँ इस बात की गवाह है। नवाज भाई हो मेरा बाजी, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी बात है या उसे दूसरी शादी करें तो मैं आप लोगों को खुद भेजूंगी वहां पर, लेकिन फिलहाल खुदा का वास्ता है आप लोग ये सारी बात को यहीं पे खत्म कर दें। देख लिया तुमने, तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसी हो, अपनी मनमानी करने वाली। तुमने अपनी मनमानी करके इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया और ये अपनी मनमानी करके अपनी इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहती है। अरे लोग क्या कहेंगे कि बहनोई के घर पे रहती थी और बहनोई ने साली का कोई काम नहीं किया, इसलिए बेचारी अकेली थी तो क्या करती। सवेरा तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे खुदाया ये भी होना था मेरे साथ, ये भी दिन देखना था मैंने। मैं तो अपने आप से भी नजरें मिलाने से गया। और सवेरा, सवेरा से क्या कहूंगा मैं, क्या सवेरा मेरी बेगुनाही का यकीन करेगी? नहीं कभी भी नहीं। मैंने कौन सा उसकी किसी बात पर यकीन किया था जो आज वो मेरा साथ देगी। सुनाने के लिए फोन कर रही होगी, शायद आज आपको यह लग रहा होगा कि मैं भी औरों की तरह आपको बातें सुनाऊंगी। मुझे पता है कि माहम ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस तरह मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सही वक्त का इंतजार है उस तरह आपको भी सब्र करना होगा। पहले आप मेरा किसी मामले में साथ ही ना थे, अगर मैं आपकी बीवी हूं आपकी ढाल बन जाऊंगी, मगर आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। नाजिया बेटा सो तो नहीं रही थी? नहीं भाई मैं जाग रही हूँ, आप इतने परेशान होंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी। नाजिया क्या तुम भी अपने भाई को गुनहगार समझती हो? भाई मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, आप अपने दिल से पूछें जो माहम ने कहा कि आपको सही लगता है। नहीं नाजिया, दिलो दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं,
मगर एक शक है जो माहम ने डाल दिया। भाई जब आप सही और गलत को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? पता नहीं नाजिया, मैं खुद को गुनहगार समझ रहा हूँ। शायद अनजाने में मैंने तुम्हारा, अम्मी का, माम का सबका एतबार खो दिया। तुम मुझे कसूरवार समझो, ये एहसास ही मुझे दहला रहा है। भाई कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, मगर उसको हालात गलत बना देते। आज तुम्हारी तकलीफ का एहसास हो रहा है मुझे नाजिया। तुम चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सवाई चंद के किसी ने तुम्हारी बात का एतबार नहीं किया। और आज फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जगह मैं हूं। अपने ही बहुत होते हैं भाई, अगर आप लोग उस टाइम मुझ पे यकीन नहीं करते तो शायद मैं मर ही जाती। लेकिन उजैर भाई, मैं आपके साथ हूँ, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं बोलो। भाई मैं ये नहीं जानती आपके और माहम के बीच में क्या हुआ है, मगर मैं ये जरूर जानती हूँ कि आप माहम को बहुत खुश रखेंगे और वो आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। आप अपने लिए ना सही, मेरे लिए माहम से शादी कर लें। मगर नाजिया, सवेरा। भाई सवेरा आपका पास्ट है और आपको पूरा हक है अपना फ्यूचर देखने का। खुदा हाफिज़। माहम, चलो आओ मेरे साथ नाश्ता करो। यहाँ क्या कर रही हो? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। क्यों अपने आप को सजा दे रही हो, किस वजह से? चलो आओ। मैं कौन होती हूँ खुद को सजा देने वाली? मेरे साथ तो खुद जिंदगी ने इतना घिनौना मजाक किया कि मैं खुद एक सजा बन गई। ऐसे क्यों कह रही हो? मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। आंटी जब कोई बुराई आनी होती है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए ना, अम्मी और अब्बू इस दुनिया से चले गए, काश मैं भी उनके साथ ही चली जाती, इस तरह पल पल मरना नहीं पड़ता। खुदा कर, कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, इस तरह की बदफाले मुंह से नहीं निकालते। ये जीना भी कोई जीना है? खुद से भी नजरें नहीं मिला सकती। क्या हो गया ऐसा भाई? मैंने कहा तो है मैं हूँ, और देखना तुम ही इस घर की बहू बनो और फिर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ जैसे सारी जिंदगी गिल्ट में गुजार। प्लीज आंटी, अच्छा छोड़ो, अब कोई क्रीम ला दूंगा निशान चला जाएगा। कुछ निशान ऐसे होते जो रूह पे जाके लगते, वो कभी मिट नहीं सकते। तो मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, अब गुस्से में पागल हो जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। बालिया मेरी चोरी की और गुस्सा आपको आ गया। आपने अपनी जात से सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ दी है और कुछ नहीं। ला दूंगा नई बालियां, ला दूंगा उससे अच्छी बालियां ला दूंगा, बस। मैं नाश्ता लेके आती हूँ। बात सुनो, क्या बात? सच है कि उजैर भाई माँ हमसे शादी कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने अपने लिए और अपने घर के लिए अच्छा फैसला किया है। तो सवेरा का क्या होगा? आपको बहुत फिक्र हो रही है सवेरा भाभी की। हाँ तो फिर सवेरा का क्या होगा? सवेरा कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, सारी जिंदगी ऐसी गुजार देगी क्या? उजैर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए सवेरा के साथ। आप एक काम करें ना, सवेरा भाभी को यहाँ ले आए और मुझे छोड़ दें, बदला पूरा हो जाएगा आपका। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों सवेरा को यहाँ लाऊंगा या फिर अपना घर बर्बाद करूंगा? तो बेहतर है आप ना बोले इनके मामलों में। अच्छा चलो जाओ, नाश्ता लगाओ, भूख लग रही है मुझे। भूख लग रही है ना, बाहर नाश्ता लगा हुआ है, जाके टेबल पे करें। आ जाओ तुम भी।
तुम्हें किसी की तकलीफ का एहसास है? अब क्या हुआ अम्मी? क्या मतलब है अब क्या हुआ? मैं रोज देखती चली जा रही हूँ, तुम मेरी बात मानना छोड़ रहे हो, बहुत बड़े हो गए। अम्मी अब मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी, सारी बातें तो मानता हूँ। अच्छा तो फिर अभी की अभी मुझे ये बताओ, तुम माहम से कब शादी कर रहे हो, अभी बताओ। अम्मी आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, इस तरह की जबरदस्ती की शादियां कामयाब नहीं होती। अच्छा तो सवेरा से शादी भी तो कामयाब नहीं हुई, वो तो जबरदस्ती की नहीं थी। देखिए अम्मी, मैं माहम से शादी करके सारी जिंदगी इस गिल्ट में नहीं गुजारना चाहता कि मैंने कुछ गलत किया है। काश काश तुमने कल अपनी बहन का चेहरा देखा होता, फिर तुम्हें समझ आती कि मजबूरी की जिंदगी क्या होती है। क्या मतलब है आपका? कल नाजिया आई थी यहाँ पे? आई थी। अम्मी क्या हुआ नाजिया को? यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें क्या फिक्र पड़ी किसी की, नाजिया भी तो अपनी जिंदगी की सजा ही भुगत रही है ना। क्या क्या किया शानी ने नाजिया के साथ? शानी ने हाथ उठाया उस पर, मारा है उसे। शानी से मैंने कहा था कि नाजिया को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ माहम से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, उसकी जिंदगी भी इसी तरह बर्बाद होगी तुम्हारी बहन की तरह। शानी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सुन लिया आपने, शानी को मैं नहीं छोड़ूंगा। जैर